हेलो गाइज, मेरा नाम है शुभम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बताऊंगा MIUI 11 की एक और प्रीमियम थीम। जी हाँ, जब इसको डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे खुद साफ साफ लिखा है कि प्रीमियम थीम है और इसमें बहुत सारे आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो यही वीडियो में बताऊंगा इसके अंदर ऐसे कौन से फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं इस थीम के लिए में कि ताकि आपको इस थीम को अप्लाई करना चाहिए अपने फोन में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने फोन को लॉक कर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लॉक किया तो सबसे पहले आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं काफी सारे लॉक स्क्रीन के स्टाइल यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। किस प्रकार का चाहिए, इस प्रकार का, इस प्रकार का, ये काफी बेटर है ये दोनों। तो ये देखते हैं, इसको अप्लाई करता हूँ तो देखते हैं इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा लॉक स्क्रीन। तो जिस प्रकार का चाहिए उस प्रकार का आपको रख सकते हैं। देखते हैं, इस प्रकार पर क्लिक करूंगा तो इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। वैसे ये भी काफी बेस्ट है जो कि लास्ट में दिखा हुआ था, इस पर चेकआउट करता है। तो इसके अंदर क्या है, इस लॉक स्क्रीन में इसके अंदर आपको शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं आपके ऐप। इस पर क्लिक करूंगा और डबल टैप करूंगा तो लॉक मांगेगा, तो यहाँ पे कैमरा चालू हो जाएगा। ठीक है, जो चीज चालू होने की चालू हो जाएगी, जिस पे लॉक मांगना हो तो लॉक। देखते हैं, इस पे एक एनिमेशन भी देखने को मिल जाती है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। और यहाँ पे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे भी आपको शॉर्टकट्स देखने को मिलेंगे। टॉर्च को भी यहीं से आप ऑन कर सकते हैं, देखते हैं, ये भी काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार का कुछ शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ वो भी पूछ ले, यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन तो देखने को मिलते हैं। तो ये तो आपको पता ही है, चेकआउट कीजिए और यहाँ पे होम स्क्रीन आपको किस प्रकार का चाहिए इसमें भी आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है। तो ये देखते हैं, इस प्रकार का, इस प्रकार का, इस प्रकार का चाहिए क्लॉक, इस प्रकार का क्लॉक चाहिए, इस प्रकार का क्लॉक चाहिए। तो ये भी काफी अच्छी है आपकी होम स्क्रीन की, यहाँ से आप जो चेंज करना चाहते हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। तो ये भी काफी इंटरफेस है, चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपका सेट हो जाएगा जो भी आपने लॉक स्क्रीन सिलेक्ट किया है। देखते हैं, इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इसमें आपको अदर थीम भी देखने को मिलेगा और कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस थीम की काफी सारे इसमें सेटिंग दी हुई है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको करना है, क्लॉक डिफॉल्ट जैसे भी आपको सेट करना है। मतलब इस ये एक अलग सेटिंग है, इस थीम के लिए अलग सेटिंग बनाई गई है। अगर आप फुल स्क्रीन गेस्चर यूज करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं एनिमेशन भी कितना अच्छा देखने को मिल जाता है। पहले आपको ब्लैक बार था लेकिन इसमें ब्लू टाइप में आपको फुल स्क्रीन गेस्चर का एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट भी दिखा देता हूँ, एक बार मैं अपना चार्ज करता हूँ इसका भी एक एनिमेशन आपको चेंज देखने को मिलता है। सबसे पहले ये देखने को मिलता है और देखते हैं इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है, 1000 वाट सुपर। तो यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार का कुछ आपको एनिमेशन देखने को मिलता है, लेकिन ये 1000 वोल्ट है नहीं, लिखा आ रहा है बस और कुछ नहीं, बस एनिमेशन देखते हैं काफी अच्छा लगता है। तो ये तो कुछ बाहर के चेंजेस, अंदर मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। होम स्क्रीन के लाइक एंड सारे कुछ चेंज देखने को मिलते हैं। नोटिफिकेशन की बात करो तो देखते हैं नोटिफिकेशन पैनल इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। देख सकते हैं काफी अच्छा इंटरफेस, सेटिंग ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं चेंज होकर, तो सेटिंग में भी देख सकते हैं कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगी। तो सेटिंग भी थोड़ा अलग हो चुका है इस थीम को अप्लाई करने के बाद। अब आप कोई भी थीम पे जाते हैं तो यहाँ पे एक एनिमेशन देखने को मिलता है, जैसे मैं क्लिक करूंगा होम पे आऊंगा देखते हैं सारे ऐप में एनिमेशन देखने को मिलता है। तो ये भी काफी अच्छी बात हो जाती है इस थीम की। सिंपली बता देता हूँ इस थीम को आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको थीम स्टोर में जाना होगा, थीम स्टोर में यहाँ पे सर्च बार में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मारना है फ्यूचर V11। सर्च मारिए आप, सर्च मारने के बाद आपके सामने ये थीम आ जाएंगे। तो थीम आने के बाद ये दूसरा नंबर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से डाउनलोड करके आप अप्लाई कर लीजिए। आप यहाँ पे आपको प्रीमियम लिखा आएगा, ठीक है, प्रीमियम के लिए आपको प्रीमियम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐड चलेगी, उसके बाद डाउनलोड चालू होगा। तो क्योंकि प्रीमियम थीम है, जैसे इसमें प्रीमियम दिखा रहा है मैंने डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी, उसी प्रकार से इसमें भी दिखाएगा। देखते हैं प्रीमियम V11 जो कि MIUI 11 को पूरा सपोर्ट करता है, इसको अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं मेरे फोन में हो चुका है अप्लाई और काफी अच्छी थीम मुझे देखने में लगती है। तो बस देख सकते हैं ये कुछ थीम है, इस प्रकार से आपको अप्लाई करना चाहिए। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका नाम डाल रखा है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं, लिंक देख दूंगा, वर्क कई बार नहीं करता उसलिए लिंक देता नहीं, इसलिए आप सर्च मार के डाउनलोड करके अप्लाई कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की आपको थीम पसंद आई, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे ऐसे, टेक केयर एंड गुड बाय।